If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hello guys, welcome to Inspired Chemistry. So today in this video, we will give you one important update about form filling of CCMA 2020. तो सीसीएमए काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आ गया वो आने के बाद तुम्हारे पास जिसको एनआईटी मिल गया उसके पास तीन ऑप्शन है, एक है फ्रीज, एक है स्लाइड, एक है फ्लोट. ओके, जिस जो आईआईटी मिला उसमें तुम रहना चाहते हो तो उसको फ्रीज ऑप्शन में डाल दो. उसके बाद 15,000 पे करो सीट एक्सेप्टेंस फी. उसके बाद जिसको जो आईआईटी मिला उसके ऊपर वाला एनआईटीज मिलने के लिए तो एक फ्लोट या फिर स्लाइड ऑप्शन में डाल दो. उसके लिए भी 15,000 पैसा देना होगा सीट एक्सेप्टेंस फी. ओके, और देखो ये फॉर्म फिलिंग करने के टाइम में मतलब सीट अलॉटमेंट होने के बाद तुमको पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ये तीन ऑप्शन करना है, कोई भी एक फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज. जिसको कोई एनआईटी नहीं मिला वो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए वेट करो. ठीक है, और देखो फॉर्म फिलिंग करने के टाइम में मतलब सीसीएमएन का जो एनआईटी मिलने के बाद वहां पर एक प्रॉब्लम सबको आ रहा है कि डॉक्यूमेंट नंबर और आईडी. तो ये क्या है, ये कैसे फिल करना है, ये कहाँ से मिलेगा, ये सब क्वेश्चन हमारा व्हाट्सएप में, फेसबुक पेज में और यूट्यूब जो कमेंट बॉक्स उसमें बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है. तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो ऑडियो क्लिप यूज करूंगा. वो ऑडियो क्लिप राहुल कुमार नाम का हमारा चैनल का एक फ्रेंड, ठीक है, उसने हम लोगों को बहुत हेल्प किया. उसने सीसीएमएन काउंसलिंग सीसीएमएन का जो सेंटर उसका ऑफिशियल वेबसाइट में कॉल किया था. कॉल करने के बाद वहां पर उसका जो ऑफिसर के साथ बात हुआ, उसका जो कॉन्वर्सेशन का जो क्लिप है वो ऑडियो क्लिप मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ. तो वो ऑडियो एंड तक देखो और उसके बाद मैं ये क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि तुम्हारा सारे डाउट क्लियर हो जाएगा. तो वीडियो के एंड तक देखना. कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि ये डाउट्स मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है सबका हो रहा है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. नाउ सी दिस ऑडियो क्लिप. थैंक यू. हेलो, गुड इवनिंग सर. सर जैसे कि सीसीएम का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया तो सर उसमें हमारा नाम आया सर, फर्स्ट प्रायोरिटी जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमने दी थी वो आ गई. तो सर उसका फीस पे हमने कर दिया, लेकिन जब उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और फॉर्म आगे का जो प्रोसेस उसमें सर प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी. क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? उसमें होता है कि 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, फिर उसके आगे सर एक ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट्स आईडी और डॉक्यूमेंट्स नंबर. तो सर उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा ना उसके ऊपर, मार्कशीट के ऊपर? हाँ सर. तो सर वहाँ पे तीन नंबर है सर, एक होता है हमारा रोल नंबर सर और एक है सर सर्टिफिकेट नंबर, एक है सीरियल नंबर. तो सर इन तीनों में से कौन सा पड़ेगा सर? सीरियल नंबर. अच्छा सर, जो ऊपर वाला होता है उन दोनों को छोड़ दे सर. हाँ सर, थैंक यू. और सर इसमें जो फोटो के लिए जो आईडी प्रूफ है सर उसमें आधार नंबर डाल सकते हैं सर? बिल्कुल, आधार नंबर डालेंगे वहाँ पे. और जहाँ पे आपका वो क्या बोलते एनरोलमेंट मार्कशीट की बात हो रही है वहाँ पे रोल नंबर डाल देंगे आप जो. अच्छा, दोनों में से सर एक, दोनों में से एक डाल सकते हैं सर, क्योंकि सर जो कॉमन होगा सारी मार्कशीट में. अच्छा सर, जो ऐसा ना मेरा सर मैं पास आउट हूँ सर, तो मेरा मार्कशीट एक ही है सर तीनों साल का. तो सर और एक सर कोई ऐसा है कि फॉर्म कंप्लीशन सर्टिफिकेट सर, ये क्या होता है? कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यदि आपका कोर्स कंप्लीट ना हुआ हो तब बनवाते हो आप, वो होता है कोर्स कंप्लीशन. और यदि कोर्स कंप्लीट है तो आप वो क्या बोलते प्रोविजनल या डिग्री अपलोड करोगे? अच्छा सर. हाँ सर, तो हालांकि मैं पास आउट हूँ तो सर डिग्री तो हमारे अभी मिला नहीं दो साल बाद में था, लेकिन मार्कशीट है सर फाइनल ईयर का, तो वो अपलोड करना पड़ेगा ना सर वहाँ पे? जी 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 कर दी. हाँ सर, उसका एनरोलमेंट आईडी डालना पड़ेगा सर. हेलो. हाँ सर, उसका एनरोलमेंट आईडी फाइनल ईयर का डालना पड़ेगा, बस इतना ही है ना सर? जी. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर.